हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा गाइस सो गाइस करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज का ये लेक्चर नंबर एट है एंड बेसिकली इन वन ऑफ द लेक्चर्स मैंने आपको बोला था अभी कि हम रिपब्लिक डे के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे वो लेक्चर कौन सा था बेटा जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे है ना जहां पर हम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स वाले सेगमेंट uh, के अंदर एक क्वेश्चन आपका uh, जो है 2020 में जो बेसिकली पेपर हुआ सीपीए का 20 का पेपर था 21 में जाकर के कंडक्ट हुआ था उसके अंदर बेसिकली uh, ये एक क्वेश्चन आया था रिपब्लिक डे पे एंड देन वी डिसाइडेड कि वी विल आल्सो बी कवरिंग द रिपब्लिक डे सेगमेंट ऑफ 2023 तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ताकि uh, अगर क्वेश्चन uh, आए पेपर के अंदर रिपब्लिक डे के ऊपर तो वो आपका गलत ना हो ओके सो विल बी द टारगेट एंड दिस विल बी वीडियो इन टू करंट अफेयर्स सेगमेंट इसको हम करंट अफेयर्स वाली प्ले लिस्ट के अंदर ही रखेंगे ओके एंड दीज आर द कोर्सेज गाइज कोर्सेज बिल्कुल अपडेटेड हैं, गाइज ठीक है सारे क्वेश्चन को रिवैम्प किया गया है और किया जा रहा है तो क्वेश्चंस ऐसा मत सोचिएगा कि ये पुराने क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल नए तरीके से इन क्वेश्चंस को अपडेट करके आपके लिए डाला जाएगा ऑल राइट चलिए सबसे पहले क्वेश्चन uh, के ऊपर आएंगे एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजिडेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज सेवेंटी रिपब्लिक डे ठीक है जी प्रेजिडेंट ऑफ विच अम द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द चीफ गेस्ट फॉर इंडिया सेवेंटी फोर्थ रिपब्लिक डे सेवेंटी फोर्थ रिपब्लिक डे था इस बार आपका ये ना कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कौन सा रिपब्लिक डे था तो ये भी याद रखना बहुत जरूरी होता है फर्स्ट रिपब्लिक डे कब बना आपका नाइनटीन फिफ्टी के अंदर और इस बार आपका कौन सा था सेवनटी फोर्थ तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका बी इजिप्ट सी इजराइल एंड डी इज मोराको सो वॉट विल बी द राइट आंसर कौन से uh, कंट्री के प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर एंड हिज नेम जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे जो बेसिकली इसके अंदर आए थे द नेम वाज मिस्टर अब्देल फतेह अल सीसी ठीक है तो नाम भी याद रखना और कंट्री भी याद रखना है दोनों याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्वेंटी थर्ड जनवरी इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर बेसिकली जो ट्वेंटी सिक्स जनवरी की जो सेलिब्रेशन होती है ना वो पहले ही शुरू हो जाती है तो ट्वेंटी थर्ड जनवरी भी एक इंपॉर्टेंट डे इन द सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे आता है तो ट्वेंटी थर्ड जनवरी बेसिकली किस फ्रीडम फाइटर की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट की जाती है ऑप्शन ए भगत सिंह बी राम प्रसाद बिस्मिल सी सुभाष चंद्र बोस एंड डी एस अश्विन कुमार दत्त तो यहां पर आपका क्या सही आंसर होगा कौन से फ्रीडम फाइटर की बर्थ एनिवर्सरी होती है डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में इस टाइप के ईपीएफओ या ईपीएफओ एपीएफसी के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे द राइट आंसर ओवर रेयर गाइज इज ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ठीक है सुभाष चंद्र बोस जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी बेसिकली ट्वेंटी थर्ड जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है सो so, जो ंग सेलिब्रेशन है ट्वेंटी सिक्स जनवरी की वो 23 जनवरी से शुरू हो जाती हैं एंड बेसिकली ट्वेंटी थर्ड जनवरी को टू मार्क द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी एंड जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वन ऑफ अ काइंड मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल आदि शौर्य परफ पराक्रम का इसको ऑर्गेनाइज इस किया गया था नई दिल्ली में तेईस और चौबीस जनवरी को ऑलराइट मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल आदि शौर्य परफ पराक्रम का ओके okay, अब ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी यहां पर मार्क्ड है चलो कोई बात नहीं द दी वन सेल्यूट वॉज द फर्स्ट टाइम गिवन बाय तो बेसिकली इक्कीस uh, तोपो की सलामी हर साल होती है रिपब्लिक डे में पर ऑलवेज जो गन्स uh, इसके अंदर यूज किए जाते थे वो विंटेज 25 पाउंडर यूज किए जाते थे लेकिन इस बार कौन से यूज किए गए 100 एम इंडियन फील्ड गन्स का यूज किया गया ये बेसिकली इंडिजीनियसली मेड गन्स हैं हंड्रेड फाइव एम एम इंडियन फील्ड गन्स पहली बार इनका इस्तेमाल किया गया और ये बेसिकली आत्मनिर्भरता जो डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भरता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन गन्स को रिप्लेस किया गया पहले विंटेज ट्वेंटी फाइव पाउंडर गन्स का इस्तेमाल होता था और अब हंड्रेड एंड फाइव एम एम इंडियन फील्ड गन्स नेक्स्ट क्वेश्चन उशु टू इज अ इंडिजीनियस ऑप्शन ए ड्रोन बी सुब्रम सब uh, सबमेराइन सबमरीन सोनार सिस्टम सी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल एंड डी इज आर्मी टैंक देखो रिपब्लिक डे के अंदर क्या होता है ठीक है परेड होती है परेड के अंदर वेरियस वेपन्स वगैरह को भी हाईलाइट किया जाता है इंडिया के जो वेपन्स हैं तो ओशोज टू बी इज वन ऑफ अ काइंड डिफेंस सिस्टम तो बेसिकली ये क्या है ये आपसे सवाल के अंदर पूछा गया है द राइट आंसर गाइज इज ऑप्शन बी ये एक सबमरीन सोनार सिस्टम है ओके जो है क्या है एक सबमरीन सोनार सिस्टम है और डीआरडीओ ने बेसिकली इसको डेवलप किया है तो डीआरडीओ का भी एक टैब्ल्यू था जो रिपब्लिक uh, डे के अंदर कर्तव्य पथ जिसको बोलते हैं उसके ऊपर वॉक किया थीम था डीआरडीओ uh, के टैब्लियो का सिक्योरिंग नेशन इफेक्टिव सर्वेलेंस कॉम्युनिकेशन एंड न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स ओके okay, और इसके अंदर बेसिकली आपका ये ऊशूज टू जो सोनार सिस्टम है इसको डिस्प्ले किया गया हमजा सीरीज ऑफ सोनार्स को डिस्प्ले किया गया ओके okay, लो फ्रीक्वेंसी संकिंग डोनार फॉर हेलीकॉप्टर्स तो बेसिकली डीआरडीओ के टैबलो के अंदर ये सारे जो सोनार सिस्टम्स हैं इनको डिस्प्ले किया गया था ओके okay, देखो बाकी तो जो वेपन है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में आ जाते हैं तो मैंने यहाँ पर बेसिकली ऐसा कुछ उठाने की कोशिश किया जो जनरली आप शायद न्यूजपेपर वगैरह में मिस कर जाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तपस बी एच जीरो पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो है ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है यूएवी है ओके okay, जी दूसरा कहता है कि डे लाइट और डार्कनेस दोनों के अंदर कैपेबल है फ्लाइट करने के लिए आपको बताना है कौन सा करेक्ट है ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ ऑफ दी अब एंड डी इज नन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दैट विल बी ऑप्शन सी बोथ ऑफ दी अबव ठीक है तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड ड्योरेंस एरियल व्हीकल है यूएवी है और डार्क में और डेलाइट में दोनों में इट कैन वर्क तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहां पर करेक्ट हो जाते हैं तपस बीएच वन फुल फॉर्म क्या है टेक्टिकल एयरबॉन्ड प्लेटफॉर्म फॉर एयर सर्वेलेंस बियॉन्ड हॉरिजन टू जीरो वन ओके तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे यहां पर टू मिसिंग है हैल्टीट्यूड लॉन्ग एंड ड्योरेंस अनमंड एरियल व्हीकल है ओके okay, इसको डेवलप किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट ने दस हजार से तीस हजार फिट तक की हाइट के ऊपर ये ऑपरेट कर सकता है फोर्टी एट आवर्स की फ्लाइट इंडियोरेंस है ओके okay, ऑटोनोमसली या रिमोट कंट्रोल दोनों से इट कैन बी यू नो ऑपरेटेड और डे लाइट एंड डार्कनेस दोनों के अंदर ऑपरेट करेगा एंड फॉरन इंजन एंड मिशन सेंसर इसके अंदर है तो कंप्लीटली इंडिजिनस ये नहीं है जो आपका तपस जीरो वन है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभाला तीर्थम इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मकर संक्रांति इन द स्टेट ऑफ अब देखो रिपब्लिक डे के अंदर जो जिसको हम बोलते हैं झांकी ठीक है झांकी निकलती है ना अलग अलग स्टेट्स में से अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो प्रभाला बेसिकली टेबल्यू uh, था तो ये कौन सी स्टेट में बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है कौन सी स्टेट के टैब्ल्यू में इसको रिप्रेजेंट किया गया था ड्यूरिंग मकर संक्रांति ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश बी कर्नाटका सी महाराष्ट्र एंड डी इज उत्तर प्रदेश तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों राइट आंसर इन दिस ऑप्शन आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के अंदर ये प्रबला तीर्थम जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग मकर संक्रांति तो ये बेटा लिस्ट है इसको थोड़ा सा अगर याद कर सको तो कर लेना एक बार में याद तो नहीं होगा डेफिनेटली वो तो गारंटी है लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल में रख लो ठीक है फोटो प्रिंट आउट निकाल करके पीडीएफ डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के या स्क्रीनशॉट लेके ही प्रिंट आउट निकाल करके इसको अपने टेबल uh, पे चिपका लो दीवार पे चिपका लो तो वहां से याद इजीली हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश का बेटा प्रभाला तीर्थम था ठीक है जो बेसिकली एक प्रेजेंट फेस्टिवल है मकर संक्रांति पे सेलिब्रेट किया जाता है आसाम लैंड ऑफ हीरोज एंड स्पिरिचुअलिज्म इसका थीम था लद्दाख का टूरिज्म एंड कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ लद्दाख उत्तराखंड में था मनसखंड जो थीम था ओके कमेंट में, में मेरे को बताना जरा मनसखंड क्या है ठीक है अगर किसी को पता है तो त्रिपुरा का जो था सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू टूरिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इन त्रिपुरा विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन गुजरात क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात झारखंड बाबा बैद्यनाथ धाम अरुणाचल प्रदेश प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म इन अरुणाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर नया जम्मू एंड कश्मीर केरला नारी शक्ति वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा इन कोलकाता इंटेलिजेंट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को ठीक है दुर्गा पूजा जो कोलकाता में है इसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में रखा जाता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो लिस्ट है जिसके अंदर इंडिया के कौन से कौन से कल्चर्स आते हैं उसके ऊपर एक लेक्चर हम जरूर करेंगे ठीक है जो जो उसके अंदर डिटेल्स करने वाली होंगी वो उसके अंदर हम जरूर करेंगे महाराष्ट्र सादे दिन शक्ति पीठे एंड नारी शक्ति तमिलनाडु वुमेन एम्पावरमेंट एंड कल्चर ऑफ तमिलनाडु कर्नाटका सेलिब्रेटिंग पावर ऑफ नारी हरियाणा इंटरनेशनल गीता महोत्सव दादर नगर हवेली एंड दमन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश का था अयोध्या दीपोत्सव तो काफी सारे तो इजीली रिलेट हो जाते हैं जैसे उत्तर प्रदेश का इजीली रिलेट हो जाता है हरियाणा का इजीली रिलेट हो जाता है ना नारी शक्ति के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत सारे हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको याद करना दो चार बार भी पढ़ा तो दिमाग में चिपक जाएगा अब स्टेट्स के साथ साथ कई मिनिस्ट्रीज भी अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की रिप्रेजेंटेशन थी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मेरेट्स के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को हाईलाइट किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंट्रोल ब्यूरो नारकोटिक्सो फाइव ड्रग फ्री इंडिया जो है उसको यहां पर हाईलाइट किया गया और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक सेंट्रल आर्म पब्लिक पुलिस फोर्सेस की झांकी थी जिसके अंदर सी में नारी शक्ति को रिप्रेजेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर जो थीम थी उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन दिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का था शक्ति रूपीना समस्थिता अब ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका मीनिंग क्या होता है ठीक है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो बेटा जगानी पड़ेगी अगर यूपीएससी से पंगा लेना है ठीक है पंगा तो खैर आपने उसी दिन ले लिया था यूपीएससी से जिस दिन आपने सोच लिया था कि मैं फॉर्म भरूंगा या भरूंगी तो जब पंगा ले लिया है तो उससे भिड़ जाओ पूरे तरीके से कई जगहों पर क्यूरियोसिटी होनी बहुत जरूरी है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के ऊपर हम सोशल सिक्योरिटी के अंदर वीडियो बनाएंगे ठीक है तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ओके उसके बाद कुछ अवार्ड अनाउंस होते हैं यहां पर मैंने एमसीक्यू नहीं बनाया डायरेक्टली मैंने अवार्ड्स को यहाँ पर आपको स्लाइड में दे दिए हैं लेकिन इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओके सो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट अमंग द थ्री सर्विसेज किसको मिला पंजाब रेजिमेंट सेंटर कॉन्टीजेंट वेरियस आ, रेजिमेंट्स रिप्रेजेंट होती है ना मार्चिंग के अंदर तो बेस्ट जो मार्चिंग मिली है वो पंजाब रेजिमेंट को मिली है ओके सीएपीएफ या अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस जो बेसिकली एक तो हो गया आर्मी का जो आपका आर्मी नेवी और एयरफोर्स में से तीनों में से पंजाब रेजिमेंट हो गया बाकी सीएपीएफ और जो ऑक्सिलरी फोर्सेज हैं उसमें से सी के मार्चिंग कॉन्टीजेंट को यहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिला बेस्ट जो स्टेट्स के केस में है पहला उत्तराखंड का को मिला है बेस्ट अवार्ड फॉर सेकंड स्पेशल प्राइजेस लाइक जिसमें आपके सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड वंदे भारतम डांस ग्रुप को कुछ स्पेशल प्राइजेस यहाँ पर मिले थे बेसिकली ये टेब्ल्यूज वाले के फर्स्ट वाला किसको फर्स्ट प्राइज मिला ये इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री में किसको मिला वो इंपॉर्टेंट है मार्चिंग वाले दोनों याद रख लेना ठीक है पूछ सकता है ये तो थे अवार्ड्स जो अनाउंस किए गए बाय द गवर्नमेंट एक होते पॉपुलर चॉइस चॉइस अवार्ड्स जिसके अंदर वोटिंग कराई जाती है आ, और पब्लिक की चॉइस के ऊपर अवार्ड मिलता है तो बेस्ट मार्चिंग का ऑन पॉपुलर चॉइस जो अवार्ड मिला वो था इंडियन एयरफोर्स का जो मार्चिंग कॉन्टिनेंट था उसको मिला ठीक है सीएपीएफ और अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज में सीआरपीएफ को ही मिला पॉपुलर चॉइस के अंदर भी टेब्ल्यूज में पॉपुलर चॉइस में पहला मिला गुजरात को दूसरा मिला यूपी को और तीसरा मिला महाराष्ट्र को एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के केस में जो बेस्ट टेब्ल्यू है वो सीएपीएफ को मिला ओके सो पॉपुलर चॉइस अलग अवार्ड होते हैं और आ, जो गवर्नमेंट बेसिकली अनाउंस करती है वो अलग होते हैं तो दोनों वो पेपर में ध्यान रखना है इसमें कि उसने पॉपुलर चॉइस का पूछा है या जो गवर्नमेंट अनाउंस है वो पूछे हैं रिपब्लिके इ अलावा कोई सवाल जो है वो निकल करके आएगा रिपब्लिक डे में से बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि हाँ सर रिपब्लिक डे में ये वाला फैक्ट इस लेक्चर के अंदर छूट गया तो प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बत लिखें ताकि कमेंट्स के थ्रू आपके कमेंट्स के थ्रू बाकी बच्चों को भी पता चले और देखो यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है एक लौता ऐसा एक एग्जाम है जिसके अंदर आपने ये नहीं सोचना कि मैंने अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी तो बाकी बच्चे मेरे से आगे निकल जाएंगे क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न देम यू हैव टू कीप देम इन टू योर माइंड एंड जितना ज्यादा आप उसको शेयर करते हो ना जितना ज्यादा आप दूसरों के साथ उसको बार बार रिपीट करते हो अल्टीमेटली वो आपके दिमाग में इतना ज्यादा अच्छे से चिपक जाएगा कि फिर पेपर में आप वो फैक्ट को भूलोगे नहीं ठीक है तो इसीलिए जितना ज्यादा आप इसको शेयर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा ओके पीडीएफ करंट अफेयर वाली प्ले लिस्ट इसको इसका मिलेगा जो आप जहां से पीडीएफ डाउनलोड करते हो और राइट कोई भी डाउट हो कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप करो मेल करो कमेंट करो टेलीग्राम पे मैसेज करो हाँ हो सकता है कई बार थोड़ा डिले हो जाए रिप्लाई करने में बट रिप्लाई जरूर आएगा और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय